हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाई आर स्क्वायर। मेरा नाम राहुल मिश्रा है और आज हम लोग करेंगे नंबर सीरीज के कुछ अच्छे क्वेश्चंस। किसी भी प्रीलिम्स एग्जाम को क्लियर करने के लिए नंबर सीरीज, डाटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक ये आना बहुत जरूरी होता है। अगर इन पर हमारी कमांड है तो कोई भी प्रीलिम्स एग्जाम हमारा इजिली निकल सकता है। तो आज हम लोग नंबर सीरीज के कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। आप लोगों की स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए आप लोग इसको ट्राई करिए एक बार खुद से। 88, 87, 89, 80 और 144 आप लोगों की स्क्रीन पर लिखा हुआ है, उसको देखिए एक बार खुद से ट्राई करिए। तो यहाँ पर देखिए कि नंबर जो है बहुत पास पास दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं, एक बार डिफरेंस लेके देखते हैं ना, डिफरेंस लेके देखते हैं, क्या पता चीजें मिल जाए, क्या पता लॉजिक मिल जाए। तो 80 से 144 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, 64 कर दिया। यहाँ से 80 से 144 लाने के लिए 64 ऐड कर दिया। यहाँ पे 89 से 80 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -9 कर दिया। यहाँ पर देखिए ना, -9 हुआ है ये। 87 से 89 लाने के लिए +2 कर दिया, 2 ऐड कर दिया यहाँ पर। और 87 से 88 से 87 लाने के लिए -1 कर दिया यहाँ पे, ये -1 हो गया। तो ये तो कुछ लॉजिक समझ में आ नहीं रहा है, -1, +2, -9, +64 ये तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। तो क्या करेंगे, देखते हैं ये क्या बन रहा है। ये जो है ये हमारा 8 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया, 8 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 तो समझ में आ नहीं रहा, 1 तो आ नहीं रहा। तो ये लॉजिक तो फेल हो गया, ये लॉजिक तो फेल हो गया, डिफरेंस से तो हमें कुछ मिला नहीं। तो एक बार और देखते हैं, कुछ दूसरे तरीके से अप्रोच करते हैं। तो ये देखिए जो 64 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 की पावर 3, 4 की घात 3, 4 की पावर 3 लिखेंगे, यानी कि 4 × 4 × 4, तो 64 आ रहा है ना। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। तो यहाँ से कुछ लॉजिक समझ में आया, तो वही अप्रोच यहाँ पे भी लगाएंगे। देखिए ना, यहाँ पर 4 की पावर 3 किया गया है, यहाँ 3 की पावर 2 किया गया है, तो यहाँ 2 की पावर 1 करते हैं ना। 4 है उसकी पावर 1 कम कर दी गई है, 3 कर दिया गया है, 2 है उसकी पावर 1 कम कर, 3 है उसकी एक पावर कम करके 2 लिख दिया गया है। तो यहाँ पर 2 लिखते हैं ना, 2 की पावर 1 करते हैं, 2 की पावर 1 यानी कि 2, ये तो जस्टिफाई कर रहा है, ये तो मतलब हो रहा है, चीजें बन रही है। तो ये देखिए यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 2 था, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब 1 की पावर क्या लिखें कि 1 ही आए, तो 1 की पावर 0 लिखते हैं, 1 की पावर 1 भी 1 आएगा, लेकिन 1 की पावर हम 0 लिखेंगे, क्योंकि हमको तो लॉजिक फाइंड करना है। तो 1 की पावर 0, किसी भी संख्या का पावर 0 मतलब 1 होता है। अगर हम 100 की पावर 0 लिखेंगे तब भी 1 आएगा, 200 की पावर 0 लिखेंगे तब भी 1 आएगा। तो किसी भी संख्या की पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये यहाँ पर हो गया ये -1 की पावर 0, 1 की पावर 0 कर दिया। तो लॉजिक तो समझ में आ गया, 1 की पावर 0, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 4 की पावर 3। तो अगला टर्म क्या होगा, अगला टर्म हो जाएगा 5, अगला टर्म 5 हो गया। और पावर पर देखते हैं, यहाँ पे 0 है पावर, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो अगला पावर क्या हो जाएगी, 4। तो 5 की पावर 4 अगला टर्म जो हो जाएगा, 5 की पावर 4 हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि सिंबल कैसे चल रहा था, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, माइनस हो जाएगा, यानी कि अगला टर्म जो होगा -5 की पावर 4 हो जाएगा। -5 की पावर 4 क्या हो जाएगा, -26 हो जाएगा, -26 हो जाएगा। यहाँ पे -26 होगा और -26 + 144 ये वाला, ये वाला 144, -26 + 144 ये ऐड करेंगे तो आ जाएगा -481 इसका आंसर हो जाएगा, -481 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट -2, 1, 4, 7, 28 देखिए, -2, 1, 4, 7, 28। तो -2 से 1 लाने के लिए तो बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं, -2 से 1 लाने के लिए +3 करेंगे 1 आ जाएगा, (2) करके कुछ भी कर देंगे तो 1 आ जाएगा। लेकिन लॉजिक जो हमें मिलता है, हमें तो वहां से फाइंड होता है जहां पे डिफरेंस ज्यादा होता है, जहां पे वैल्यू ज्यादा होती है। तो 7 से 28 आने के लिए क्या किया जाएगा, लॉजिक यहां से हमें मिलेगा। तो देखिए ना, 7 से 28 लाने के लिए एक बार क्या किया गया, +21 कर देंगे, 7 + 21 = 28 आ जाएगा। अब 4 से 7 लाने के लिए क्या कर दिया, +3 कर दिया, तो 4 + 3 = 7 हो जाए। 1 से 4 लाने के लिए क्या कर देंगे, +3 कर देंगे, -2 से 1 लाने के लिए +3 कर देंगे, तो आ गया ये +3 + 3 + 3 + 21। यहाँ तो लॉजिक फेल हो रहा है, अगर यहाँ पर भी +3 हो जाता तो लॉजिक बन गया था कि +3 + 3 + 3 चल रहा था, लेकिन वहां तो 21 आ गया, तो ये लॉजिक तो फेल, ये लॉजिक तो फेल हो गया। तो कुछ दूसरा तरीका देखते हैं, दूसरा तरीका देखते हैं ना, इस 7 से 28 लाने के लिए हमने क्या किया, (4) कर दिया, 7 × 4 = 28 (4) कर दिया। और इस 4 से ये 7 लाने के लिए क्या कर देंगे, +3 कर देंगे, 4 × 3 = 7 होता है ना, +3 कर दिया। अब 1 से 4 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 से 4 लाने के लिए (4) कर दिया, 1 × 4 = 1 (4) करेंगे, 4 आ जाएगा। और -2 से 1 लाने के लिए +3 कर देंगे, माइनस
टू से वन लाने के लिए क्या कर देंगे, प्लस थ्री कर देंगे। तो देखिए ना लॉजिक बन के आया कि नहीं आया, प्लस थ्री इंटू फोर प्लस थ्री इंटू फोर, तो अगला क्या हो जाएगा, प्लस थ्री हो जाएगा, अगला प्लस थ्री हो जाएगा ना। यहां से देखिए ना, माइनस टू से वन लाने के लिए प्लस थ्री कर रहे हैं, वन से फोर लाने के लिए इंटू फोर कर रहे हैं, फोर से सेवन लाने के लिए प्लस थ्री कर रहे हैं, और सेवन से ट्वेंटी एट लाने के लिए इंटू फोर कर रहे हैं। तो लॉजिक जो चल रहा है प्लस थ्री इंटू फोर प्लस थ्री इंटू फोर, तो अगला टर्म हो जाएगा प्लस थ्री, प्लस थ्री यानी कि यहाँ पर ट्वेंटी एट है, तो ट्वेंटी एट प्लस थ्री करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्टी वन। आंसर क्या हो जाएगा, थर्टी वन, अगला टर्म जो हो जाएगा थर्टी वन, यहाँ का इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप लोग स्क्रीन पर, नेक्स्ट देखिए आप लोग, वन थ्री टेन थर्टी सिक्स वन फिफ्टी टू सेवन सेवेंटी। तो पहले भी आपको बताया था कि वन से थ्री लाने के लिए बहुत तरीके हो सकते हैं, लेकिन लॉजिक तो हमें यहाँ से मिलेगा नहीं, लॉजिक तो हमेशा हमको वहीं से मिलेगा जहां पर टर्म्स के बीच में ज्यादा गैप होगा। यहाँ देख के समझ में आ रहा है कि गैप ज्यादा है, और जो भी गैप ज्यादा है तो क्या है, ये तो लग रहा है कि लगभग मतलब गुणा किया गया है, क्योंकि इतना जोड़ना घटाना तो हो नहीं सकता, ये तो गुणा किया गया है। तो एक बार देखिए ना, पंद्रह पच्चीस पचहत्तर, पंद्रह पच्चीस पचहत्तर लगभग पांच गुना हो रहा है, ये देख के अंदाजा लगना चाहिए, और ये आपको तभी लगेगा जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को आप लोग करिए, घर पे करिए, किसी भी एग्जाम के प्रीलिम्स क्लियर करना है तो सिंप्लीफिकेशन आप लोगों को आना चाहिए, नंबर सीरीज आप लोगों को आना चाहिए, क्वाड्रेटिक आप लोगों को आना चाहिए, डीआई आप लोगों को आना चाहिए, और सिंप्लीफिकेशन अगर स्ट्रांग रहेगा तभी लॉजिक समझ में आएगा। यहाँ से कैसे हो रहा है, तो देखिए ना यहाँ से देख रहे हैं कि लगभग पांच गुना हो रहा है इसका, 152 का, 152 का लगभग पांच गुना हो रहा है ना, तो किया नहीं है, इंटू फाइव कर दिया, इंटू फाइव कर दिया, 152 इंटू फाइव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 760 हो जाएगा, 760 प्लस 10 कर दिया, प्लस 10 कर दिया, यानी कि इंटू फाइव प्लस 10 किया, 152 इंटू फाइव प्लस 10 कर दिया, तो क्या आ गया, आ गया 770। तो यहाँ से कुछ समझ में आया, ये देखिए आप, ये टर्म देखिए, ये टर्म देखिए, ये लगभग कितना हो रहा है, तीन चौक बारह, तीन पच्चे पंद्रह, लेकिन लगभग 40 के बराबर है, तो चार तीन बारह लगभग चार बार जा रहा है, ये लगभग इसका चार गुना हो रहा है। तो 36 इंटू फोर करिए ना, 36 इंटू फोर आप लोग करेंगे तो चार सौ चौबीस के चार, हाँ साहब, चार तीन बारह तो चौदह, एक तो चौदह 144 हुआ ना, 144 हुआ, और उसमें प्लस 8 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 144 प्लस 8 आठ चार बारह 152, 152 हुआ कि नहीं हुआ। तो ये भी देखिए ना, यहाँ पर इस 36 से 152 लाने के लिए क्या हो गया, इंटू फोर प्लस 8 कर दिया गया। तो ये समझ में आ रहा है यहाँ से कुछ कुछ, यहाँ पे इंटू फाइव हो रहा है, इंटू फोर हो रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू थ्री, और देख के भी लग रहा है ये, 10 इंटू थ्री करेंगे तो 30 हो जाएगा, प्लस 6 कर दिया 36 हो गया, 3 इंटू टू कर देंगे, 3 इंटू टू यानी कि 6 प्लस 4 कर दिया 10 आ गया, और 1 से 3 लाने के लिए इंटू 1 प्लस 2 कर दिया। तो लॉजिक आ गया समझ में, लॉजिक आ गया, यहाँ पर इंटू 2 प्लस 1, यहाँ पर इंटू 2 प्लस 4, यहाँ पर इंटू 3 प्लस 6, यहाँ पर इंटू 4 प्लस 8, तो यहाँ पे इंटू 5 प्लस 10, तो यहाँ पे क्या होगा, इंटू 6 होगा, इंटू 6 होगा, और ये 2 4 6 8 10 हो रहा है, 12 इंटू 6 प्लस 12, तो अगला टर्म जो होगा इंटू 6 प्लस 12 हो जाएगा। तो जब हम इसमें इंटू 6 प्लस 12 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4632, आप लोग इसको करिएगा, 4632 आंसर हो जाएगा, 4632 इसका आंसर हो जाएगा, और लॉजिक भी आप लोगों को समझ में आया होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट आप लोगों की स्क्रीन पर है, देखिए 21 माइनस 2.1 माइनस 0.42 प्लस 0.126 126। तो लॉजिक तो हमेशा यहाँ से समझ में आता है, बड़े वाले टर्म से हमेशा लॉजिक समझ में आता है। तो देखिए ना, इसको अगर आप देखेंगे तो लगभग इसका तीन गुना लग रहा है, 42 का ये लगभग तीन गुना लग रहा है, तो इंटू थ्री कर देंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली बात ये है कि ये 42 नहीं है, पॉइंट का 42 है, और यहाँ पर 0.126 हो रहा है, तो दशमलव जो है एक अंक शिफ्ट हो रहा है, यानी कि जो तीन से गुणा नहीं करेंगे 0.3 से गुणा करेंगे, 0.3 से गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दशमलव तीन अंक हो रहा है ना, तो पॉइंट से ही करेंगे तभी तो दशमलव तीन अंक में आएगा। अगर तीन से गुणा कर देंगे तो ये 1.26 हो जाएगा, तो 0.3 से यहाँ पे गुणा करेंगे। लेकिन ये माइनस है और ये प्लस है, सिंबल भी देखिए, ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस ही तो प्लस होता है ना। तो यहाँ पर लॉजिक ये समझ में आया कि इंटू माइनस 0.3 किया जाएगा, इंटू माइनस 0.3 किया जाएगा। अब यहाँ पे देखने क्या लॉजिक बन रहा है, तो ये इसका दूना दिख रहा है, ये इसका दूना दिख रहा है, और पॉइंट भी एक अंक पे खिसक रहा है, तो यानी कि ये 0.2 से गुणा करेंगे, लेकिन ये माइनस और ये माइनस ही है, तो माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसलिए माइनस इंटू प्लस करना पड़ेगा, जिससे कि फाइनल जो रिजल्टेंट है वो माइनस ही रहे। तो इंटू प्लस 0.2 कर देंगे, प्लस का 0.2 कर देंगे, इंटू प्लस का 0.2 कर देंगे। यहाँ पे यहाँ से देखिए ना आप लोग, यहाँ से मतलब किस केवल 0.1 से गुणा किया गया है, ये तो केवल 0.1 से गुणा किया गया, लेकिन सिंबल चेंज हो रहा है, ये प्लस था, ये प्लस था, और ये माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, माइनस 0.1 से गुणा कर देंगे।
तो 0.1, 0.2, 0.3 तो अगला क्या होना चाहिए, 0.4 होना चाहिए। 0.1, 0.2, 0.3 तो अगला 0.4 होना चाहिए। ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये प्लस होना चाहिए, यानी कि प्लस 0.4। तो अगला जो टर्म हो जाएगा इनटू प्लस का 0.4। तो जब इसमें हम 0.126 में 0.4 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.054, 0.054 इसका आंसर हो जाएगा। तीन अंक यहाँ पर दशमलव का है, एक अंक यहाँ पर दशमलव का है, तो ये मिलाकर चार अंक यहाँ पर दशमलव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आप लोगों की स्क्रीन पर है, देखिए 9860-30, 9860-30। लॉजिक तो हमेशा बड़े वाले टर्म से समझ में आता है ना, जहाँ पे डिफरेंस ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ से देखते हैं ना, जीरो से थर्टी लाने के लिए, जीरो से माइनस थर्टी लाने के लिए सिर्फ और सिर्फ माइनस थर्टी ही करना होगा, क्योंकि जीरो में कुछ भी ऐड करेंगे तो माइनस में नहीं आएगा, इनटू करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा। तो माइनस थर्टी यहाँ से हुआ ना, जीरो से थर्टी लाने के लिए हमने क्या किया, माइनस थर्टी कर दिया। अब सिक्स से जीरो लाने के लिए क्या कर दिया, माइनस सिक्स कर दिया। एट से सिक्स लाने के लिए हमने माइनस टू कर दिया, और नाइन से एट लाने के लिए माइनस वन कर दिया। तो ये आ गया, ये लॉजिक क्या निकल के आ रहा है, लॉजिक निकल के आया माइनस वन, माइनस टू, माइनस सिक्स, माइनस थर्टी। कुछ समझ में इसे आ नहीं रहा है, ये लॉजिक तो कुछ बन ही नहीं रहा है, क्योंकि क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं बनाना तो किसी के स्क्वायर आ रहा है, इन्हें कुछ आ रहा है। तो एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं ना, इनके इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं, वन और टू के बीच में देखते हैं ना, वन से टू कैसे आया है, इनटू टू कर दिया गया। टू से सिक्स कैसे आया है, इनटू थ्री कर दिया गया। सिक्स से थर्टी कैसे आया, इनटू फाइव कर दिया गया। तो ये समझ में आ गया है लॉजिक क्या चल रहा है, इनटू टू, इनटू थ्री, इनटू फाइव, इनटू टू, इनटू थ्री, इनटू फाइव। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि टू थ्री फाइव क्या है, ये टू थ्री फाइव कौन से नंबर है, अगर थ्री फाइव होता तो ये ऑड नंबर हो जाता, लेकिन टू थ्री फाइव आ गया तो ये प्राइम नंबर हो जाएगा, यानी कि प्राइम नंबर का गुणा हो रहा है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो सभी नंबर जो अपने और एक के सिवा किसी और से डिविजिबल ना हो, अपने और एक के सिवा किसी और संख्या से ना कटें, वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो दो और तीन पांच ही प्राइम नंबर हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा, नेक्स्ट प्राइम नंबर हो जाएगा सेवन, नेक्स्ट प्राइम नंबर हो जाएगा सेवन। तो थर्टी इंटू सेवन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस टू वन जीरो। थर्टी इंटू सेवन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस टू वन जीरो। तो अगला टर्म क्या हो जाएगा, माइनस टू वन जीरो माइनस थर्टी, माइनस टू वन जीरो माइनस थर्टी, माइनस टू वन जीरो माइनस थर्टी अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस टू फोर्टी, माइनस टू फोर्टी अगला टर्म हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, माइनस टू फोर्टी, माइनस टू फोर्टी अगला टर्म इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आप लोगों की स्क्रीन पर देखिए 64, 48, 48, 60। देखिए ये भी टर्म बहुत पास पास लग रहे हैं, तो क्या करते हैं इसका डिफरेंस देखते हैं, एक बार डिफरेंस लेके देखते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर नहीं है और मल्टीप्लिकेशन जैसा कुछ सीन बन नहीं रहा है। तो 64 से 48 लाने के हमने क्या किया, माइनस 16 कर दिया। यहाँ से यहाँ आने के लिए माइनस 16 कर दिया, 48 आ गया। और 48 से 48 ये लाने के लिए क्या कर देंगे, जीरो ही है, क्योंकि वैल्यू है ही है, चाहे जीरो प्लस कर दो चाहे जीरो माइनस कर दो, कोई मतलब नहीं है। और 48 से 60 लाने के लिए क्या करना पड़ा, प्लस 12 करना पड़ा। तो ये लॉजिक आया निकल के, प्लस 16 जीरो माइनस माइनस 16 जीरो प्लस 12। तो क्या है ये तो 4 का स्क्वायर हो रहा है, 16 जो ये 4 का स्क्वायर हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कुछ लॉजिक समझ में आ नहीं रहा है, ये लॉजिक फेल हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, इसका रेशियो देखते हैं, इसका रेशियो देखते हैं। तो इस 60 और 40 का रेशियो देखते हैं, तो ये 60 और 40 का रेशियो हमने निकाल लिया, 60 और 40 का रेशियो हमने निकाला, तो 5/4 है, 12 × 5 = 60, 12 × 4 = 48, और 5/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.25। तो यहाँ से क्या हुआ, ये लॉजिक समझ में आया कि इस 48 से 60 लाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर इंटू 0.15 कर दिया, इंटू 1.25 कर दिया, इंटू 1.25 कर दिया। 48 से 60 लाने के लिए हमने क्या किया, इंटू 1.25 कर दिया। चलिए 48 से 48 ही है, इसमें तो इंटू 1 कर देंगे, इसमें तो रेशियो निकालने की जरूरत नहीं, इंटू 1 हो जाएगा। अब ये 48 और 64 का रेशियो देखते हैं, ये 48 और 60 का रेशियो देखते हैं। ये किया ना, 48 इंटू 64 का रेशियो किया, 48 अपॉन 64 किया, तो 16 × 16 = 16, 16 × 48 = 64, 3/4 यानी कि 7.5 आया ना। ये क्या हो गया, 7.5, 64 इंटू 7.5 क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो लॉजिक आ गया समझ में, लॉजिक तो बन गया। देखिए ना यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे किया गया इंटू 0.75 इंटू 1 इंटू 1.25, यानी कि 0.25 बढ़ता जा रहा है। तो अगला टर्म क्या होगा, अगला टर्म हो जाएगा इंटू 1.5, अगला टर्म हो जाएगा इंटू 1.5, अगला टर्म क्या हो जाएगा, 1.5 इंटू 1.5। तो 60, ये वाला 60 इंटू 1.5 करेंगे, 60 1.5 करेंगे 90, इसका आंसर होगा। अगला टर्म क्या हो जाएगा, 90, 90 आपका आंसर हो गया।
90 आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आप लोगों की स्क्रीन पर देखिए 9341 तो देख के तो लग रहा है कि टर्म्स बहुत पास पास है, तो एक बार डिफरेंस इसका निकालना चाहिए। डिफरेंस निकाल के देखते हैं ना, 9 से 3 लाने के लिए माइनस 6 किया, 3 से 4 लाने के लिए प्लस 1 कर दिया, 4 से 12 लाने के लिए प्लस 8 कर दिया, और 12 से 21 लाने के लिए प्लस 9 कर दिया। तो आ गया माइनस सिक्स प्लस 1 प्लस 8 प्लस 9। तो ये तो लॉजिक कुछ समझ में नहीं आ रहा, 9 क्या हो सकता है, 9 हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा, और ये जो 8 है 8 क्या बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा 2 की क्यूब हो जाएगा ये। तो अगर ये 3 का स्क्वायर 2 की क्यूब, तो ये तो कुछ बन ही नहीं रहा, 6 भी कुछ बन ही नहीं रहा है, तो ये लॉजिक तो फेल है, ये तो गलत हो गया। अगला लॉजिक कुछ और सोचते हैं, अगला कुछ और देखते हैं यहाँ पे। तो कैसे होगा ये 12 से 21 लाने के लिए क्या किया गया, प्लस 9 किया गया, ठीक, प्लस 9 किया गया, और इस 4 से 12 लाने के लिए क्या किया गया, इंटू 3 किया गया, ठीक, इंटू 3 कर दिया गया, और 3 से 4 लाने के लिए क्या किया गया, प्लस 1 कर दिया, तो 4 आ गया। 9 से 3 कैसे आ रहा है, इंटू 1/3 करना पड़ेगा, 9 से 3 कैसे आएगा, इंटू 1/3 करना पड़ेगा। तो देखिए ना, 3 से गुणा हो रहा है, 1/3 इंटू 3 किया तो 1 आ गया, 1 इंटू 3 किया तो 3 हो गया, 3 इंटू 3 किया तो 9 हो गया। अब 9 इंटू 3 करेंगे तो 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, तो अगला टर्म जो हो जाएगा 21 इंटू 27 होगा, अगला टर्म जो हो जाएगा 21 इंटू 27 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर, इसका आ जाएगा 567 इसका आंसर हो जाएगा। लॉजिक पकड़ना सीखिए, यहाँ से हमें अंदाजा लग गया था ये जो 9 और 3 है ना, लगभग इसका 1/3 है, 3 जो है 9 का 1/3 है। यहीं से 3 हमारे दिमाग में चल रहा था कि 3 का कुछ हिसाब किताब यहाँ पे बनेगा, तो इस तरीके से इंटू प्लस का लॉजिक यहाँ पे चल रहा है। देखिए ना, यहाँ पे इंटू हुआ, यहाँ प्लस हुआ, यहाँ इंटू हुआ, यहाँ प्लस हुआ, तो अगला टर्म इंटू होगा, अगला टर्म इंटू 27 इसीलिए किया गया, इंटू 27 क्यों किया गया, क्योंकि लॉजिक यही चल रहा है, इंटू प्लस तो अगला इंटू हो जाएगा, जिसका आंसर क्या हो जाएगा 567। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आप लोगों की स्क्रीन पर है -5 -10 -30 -150 -1050। आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, और इसको एक बार खुद से ट्राई करिए। और पहले बताया था और अभी फिर से बता रहा हूँ कि लॉजिक हमको हमेशा वहीं से मिलेगा जहाँ पे डिफरेंस ज्यादा होगा, तो लॉजिक हमें यहीं से मिलेगा, लॉजिक तो हमको यहीं से मिलेगा। तो यहाँ से देखिए ना, 15 × 7 = 105, लगभग 7 गुना है, ये लगभग 7 गुना है, 1050 150 का लगभग 7 गुना है, लेकिन माइनस में है, ये प्लस में वैल्यू है और ये माइनस में है, तो इंटू 7 कर दिया, इंटू -7 कर दिया हमने, तो ये लॉजिक निकल के आया, इंटू -7 कर दिया तो क्या हो गया, ये 1050 हो गया इंटू -7 करने पे, ठीक, 150 से -1050 लाने के लिए इंटू -7 कर दिया गया, और ये 30 और 150 के बीच में क्या रिलेशन है, 5 गुना है इसका, साफ साफ दिख रहा है इसका 5 गुना है, इसका 5 गुना हो गया। 10 से 30 कितना है, 10 से 30 क्या है, 3 गुना है, लेकिन माइनस में, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस इंटू माइनस होगा तभी तो प्लस आएगा, तो ये -3 में हो गया। 5 का ये कितना है, 5 × 2 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो ये देखिए ना, 2357 आया ना, 2357 आया ना, तो अगर ये 357 होता तब तो ये हमारा ऑड नंबर होता, ये ऑड नंबर चल रहा होता, 357 होता तब तो ऑड नंबर हो जाता, क्योंकि यहाँ पर 2 इंक्लूड हो गया है, इंटू 2 हो गया है, तो 2357 अगर हमको कहीं पे दिखेगा तो ये प्राइम नंबर की सीरीज हो जाएगी, ये प्राइम नंबर कहलाते हैं। 2357 अगर हमें कहीं दिख रहा है तो ये प्राइम नंबर की सीरीज हो जाएगी। तो अगला टर्म क्या हो जाएगा, अगला प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, अगला प्राइम नंबर हो जाएगा 11। अब प्लस होगा कि इंटू होगा ये देख लेते हैं, प्लस होगा कि माइनस होगा ये देख लेते हैं, क्योंकि इंटू तो सब में चल रहा है, तो ये प्लस था, ये माइनस था, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा, इंटू प्लस का 11 हो जाएगा, इंटू प्लस का 11 हो जाएगा। तो जब हम 1050 में प्लस इंटू 11 करेंगे, 1050 में इंटू 11 करेंगे, तो आंसर इसका आएगा -11550, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा -11550। नेक्स्ट आप लोगों की स्क्रीन पर देखिए -4 12 24 40 -41, आप लोगों की स्क्रीन पर इसको देखिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए, -4 12 -24 40 और -41। देखिए ना, टर्म तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं लग रहे हैं, लेकिन क्या करते हैं ना कि डिफरेंस लेते हैं, एक बार डिफरेंस लेके देखते हैं क्या चीज़ निकल के आ रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंस लेंगे हम, सबसे पहले इसका डिफरेंस लेंगे, तो 40 से -41 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -81 कर देंगे तो 41 आ जाएगा, -24 से 40 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, +64 करना पड़ेगा, करके देखिए आप लोग, +64 करेंगे ना, क्योंकि फाइनल वैल्यू तो प्लस में है तो प्लस ही करेंगे ना, और 12 से माइनस
24 लाने के लिए -36 करना पड़ेगा और -4 से 12 लाने के लिए +16 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? +16 करना पड़ जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये हो गया +16 -36 +64 -81। तो ये क्या है? ये तो 9 का स्क्वायर है, ये तो 9 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। ठीक, तो 4 6 8, ये देख के वैल्यू क्या समझ में आ रही है? 4 6 8 4 6 8, और अगला टर्म तो 9 है तो क्या होगा यार, ये तो इवेंट नंबर बन नहीं रहा, क्योंकि अगर इवेंट नंबर बनना होता तब तो ये 10 होता, 4 6 8 और ये 10 होता तब तो ये इवेंट नंबर हो जाता, लेकिन ये 9 है, 9 आ गया। तो यहाँ से तो दिमाग में कुछ चीजें स्ट्राइक करनी चाहिए, ये क्या है? ये कंपोजिट नंबर है, 4 6 8 9, ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर ये होते हैं कि जो प्राइम नंबर नहीं हो वो सभी कंपोजिट नंबर कहलाते हैं, यानी कि वे सभी नंबर जो अपने और एक के सिवा अन्य किसी संख्याओं से भी डिविजिबल हो जाए, मतलब एक से डिविजिबल हो, अपने आप से डिविजुअल हो और इसके अलावा भी किसी और संख्या से डिविजुअल हो, वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो देखिए ना, अगला कंपोजिट नंबर फिर क्या हो जाएगा? 4 6 8 9, तो अगला कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा ना, अगला कंपोजिट नंबर 10 होगा। ये देखिए ना, आप लोगों की स्क्रीन पर लिखा हुआ है, 1 से लेकर 10 तक के कंपोजिट नंबर, इसमें 4 कंपोजिट नंबर होगा, 6 कंपोजिट नंबर होगा, 8 कंपोजिट नंबर होगा, 9 कंपोजिट नंबर होगा, 9 भी तो कंपोजिट नंबर है ना, 3 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है, तो 2 से ज्यादा हो गया ना, तो ये हो गया कंपोजिट नंबर। तो अगला टर्म क्या हो जाएगा? 10 भी कंपोजिट, 10 भी कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 2 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 10 खुद से डिविजिबल है, तो ये भी कंपोजिट नंबर हो गया। तो अगला टर्म क्या हो जाएगा? प्लस का 10 स्क्वायर चल रहा है ना, तो अगला टर्म 10 हो जाएगा और स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस का 10 स्क्वायर, अगला टर्म जो हो जाएगा प्लस का 10 स्क्वायर। तो -41 प्लस का 10 स्क्वायर हम करेंगे, 10 स्क्वायर कर देंगे, -41 प्लस 100 हो गया 10 स्क्वायर, मतलब 100, -41 प्लस 100 क्या हो जाएगा? 59, प्लस का 59 इसका आंसर हो जाएगा, प्लस का 59 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और लास्ट आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 5 7 13 34 4 5 7 13 और 34। तो यहाँ क्या हो रहा है देखते ना, लॉजिक तो हमको यहाँ से मिलेगा ना, डिफरेंस यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये हमारा 13 से 34 लाने के लिए क्या किया गया? +21 कर दिया, और इस 7 से 30 लाने के लिए +6 कर दिया, और इस 5 से 7 लाने के लिए क्या कर दिया? +2 कर देंगे, 5 + 2 करेंगे तभी तो 7 आएगा ना, और 4 + 1 करेंगे तभी 5 हो जाएगा। तो ये आ गया 1 2 6 21। तो क्या हो रहा है, ये +1 प्लस का 2 प्लस का 6 प्लस 21, ये तो लॉजिक कुछ समझ में आ नहीं रहा है, ये लॉजिक कुछ समझ में आ नहीं रहा है। तो कैसे करेंगे, एक बार फिर से देखते हैं, इस 6 से ये 21 कैसे आ रहा है? इंटू 3 + 3 करिए ना, इंटू 3 + 3 करिए, 6 3 = 18 प्लस 3 21 हुआ कि नहीं हुआ, 6 3 = 18 3 = 21 हुआ कि नहीं, चलिए ये तो बन गया। अब ये 2 से 6 कैसे आ रहा है, 2 से 6 कैसे आ रहा है? तो 2 से 6 आ रहा है 2 × 2 + 2 करो, 2 × 2 = 4 + 2 = 6, ये भी लॉजिक बन गया। यहाँ पर × 3 + 3 हो गया, यहाँ पर × 2 + 2 हो गया, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? × 1 + 1 होना चाहिए। तो 1 से 2 कैसे आएगा? 1 × 1 1 + 1 कर दिया तो 2, तो लॉजिक तो बन गया, लॉजिक तो बन गया, × 1 + 1 × 2 + 2 × 3 + 3। तो अगला क्या हो जाएगा? × 4 + 4 × 4 + 4 हो जाएगा। तो अगर हम 34 × 4 + 4 हो जाएगा, तो 21 में हम × 4 और प्लस करेंगे, हम कैसे करेंगे? 21 × 4 + 4 करेंगे पहले, तो ये क्या हो जाएगा? 21 को 4 से करेंगे तो 4 × 1 = 4 × 4 = 2 = 8, तो 84 हो गया, 84 और प्लस 4 कर दिया, ये 4 होगा, 84 और प्लस 4 कर दिया तो क्या हो गया? 88 हो गया, 88 ये आया, और प्लस ये 38 कर देंगे, तो +38 कर दिया तो क्या हो गया? 122 आंसर हो गया इसका, 122 इसका आंसर हो गया, क्या हो गया? 122 इसका आंसर हो गया। तो हमको ये चीजें प्रैक्टिस से आएंगी, हमको लॉजिक जो है ना, जितना ज्यादा ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे वो हमें सब आएगा, तभी आएगा, बिना प्रैक्टिस की चीजें नहीं आएंगी, क्योंकि ये सारी चीजें एक दिन में नहीं आती हैं, लगातार प्रैक्टिस इसकी जरूरी होती है। और थोड़ी सी मेहनत कर लो तो अच्छे मार्क्स इसमें आप लोग गेन कर सकते हो, 5 के 5 क्वेश्चन आप लोग इसमें कर सकते हो। तो ये चीजें यहाँ पर हम ये देखने वाली बात थी कि 1 2 6 21 कहीं भाई याद कर लो, ये 1 2 6 21 1 2 6 21 अगर ये कहीं पे आ रहा है ना, तो ये लॉजिक हमको याद होना चाहिए कि × 1 + 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 + 4 का ये लॉजिक चल रहा है। तो इस तरीके से ये किया, और आज हमने 10 सिंप्लीफिकेशन के अच्छे क्वेश्चन किए जो कभी ना कभी पहले एग्जाम में आए हुए हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को और क्वेश्चन मिलते रहेंगे और कराते रहेंगे आप लोगों को, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। और चीजें अगर आप लोगों को अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक करिए आप लोग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और बेल आइकन भी बगल में बना हुआ है उसको दबाइए, जिससे कि आने वाली फर्दर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और
अगर आप लोग इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।